दोस्तों आई हैव समथिंग रियली पावरफुल टुडे बिकॉज ये जो आप दिख रहे हो सामने ये है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लैपटॉप एप्पल का नया वाला मैकबुक प्रो इन 16 इंचेस स्पेस ब्लैक कलर में ये है 128 GB रैम है हमारे पास जी हाँ और भी बहुत कुछ है इंक्लूडिंग द एप्पल्स लेटेस्ट M3 मैक्स चिप। आज आप इस वीडियो को इतनी लाइक और शेयर करते हुए और हम करते हैं इसी एक्सट्रीमली पावरफुल लैपटॉप को अनबॉक्स और एक्सपीरियंस भी करते हैं कि आखिर कैसा है एप्पल का नया वाला मैकबुक प्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो एक्सपीरियंस होता है ना अनबॉक्सिंग का, जितनी बार भी चाहे कर लो हर बार एक फ्रेश फील होता है बिकॉज हमको करना है ये बात है। डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया मैकबुक प्रो एक क्विक गाइड कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ब्लैक कलर के दो एप्पल स्टिकर्स 140 वॉट्स आउटपुट के साथ में आने वाला पावर अडैप्टर इस लैपटॉप को क्विक चार्ज करने के लिए अप टू 50% इन जस्ट 30 मिनट्स। एंड फाइनली ये हमारे पास में है एक ब्रेडेड मैगसेफ 2 USB वाली ब्लैक कलर की केबल जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। नाउ स्पीकिंग ऑफ अच्छा, लेट्स जस्ट पील दिस, हैव अ लुक एट दिस गाइस। स्पेस ब्लैक कलर में एप्पल का नया मैकबुक प्रो, इसको हम ऑन करेंगे और चाइम आएगा और ये बूट हो जाएगा। Have a closer look and then हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और डिटेल्स को देखते हो। तो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब आपने देख ही लिया इस लैपटॉप को सभी तरफ से। वैसे इनफैक्ट अगर मैं बता दूं ना, मतलब कि जो नया स्पेस ब्लैक कलर है इसकी एक अलग फीलिंग है और यहाँ पे एक अलग टाइप की केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो एकदम ऐसे रिड्यूस्ड हैं। आपको अदरवाइज जो स्मजेज अक्सर आपके फिंगरप्रिंट से आते हैं स्पेशली ऑन दीज डार्क कलर्स, वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा। जो कंप्लीट पोर्ट्स का कंप्लीट सेटअप है वो एग्जैक्टली सेम एज द एग्जिस्टिंग 16 इंचेस वाला जो मैकबुक प्रो आपको मिलता है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे इस साइड में तो हमारे पास में ये मैगसेफ वाला कनेक्टर है, क्वाइट यूजफुल एंड वेरी यूनिक, मतलब एप्पल का सिग्नेचर है आपको पता है ये। देन हमारे पास में यहाँ पे दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं अमेजिंग डेटा ट्रांसफर स्पीड्स के लिए। फिर हमारे पास में एक हेडफोन जैक है कंबाइंड विद माइक्रोफोन एज वेल। अगर हम इधर बात करेंगे तो हमारे पास में एक फुल साइज HDMI पोर्ट है, अगेन ग्रेट फॉर प्रो यूजर्स। फिर एक और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है और फिर हमारे पास में एक SD कार्ड स्लॉट भी है। तो मतलब पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ और यहाँ पे स्पेशली जो ये स्पेस ब्लैक फिनिश आपको मिल रही है इसकी बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हो आप देखोगे कि आपके पास में है एक 16.2 इंचेस का प्रो मोशन वाला सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, मतलब 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। बेजल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मिनिमल हैं, आपको बीच में एक नॉच मिलती है जहां पे एक HD फेस टाइम वेबकैम लगा है। कंप्लीट ब्लैक सेटअप है, मतलब जो बड़ा सा ट्रैक पैड मिलता है आपको पूरा, जो यहां पे एक अच्छा सा वेल स्पेस्ड फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, इसके दोनों तरफ आपको अच्छी खासी स्पीकर ग्रिल मिलती है और यहां पे एक 6 स्पीकर सिस्टम है। तो मतलब जो ऑडियो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। और यहां पे गाइज दिस इज जस्ट अबाउट द एक्सटर्नल थिंग्स, इंटरनल्स की तरफ से बात करता हूं तो हमारे पास में दो अलग अलग मॉडल्स हैं प्रो लाइनअप में, वन इज द 14 इंच वाला, वन इज द 16 इंच जो कि ये है मेरे पास में। अगर आप चूज करते हैं 14 इंच वाला वेरिएंट तो वहां पे आपके पास में 3 अलग अलग चिप्स के ऑप्शंस हैं, एप्पल की नई M3 या फिर M3 प्रो या फिर M3 मैक्स। प्राइस स्टार्ट होती है 1,69,900 से और उसके बाद में ऊपर जाती जाती है। बट अगर आप बात करते हो 16 इंच वाले वेरिएंट की तो यहां पे आपके पास में 2 चिप्स के ऑप्शंस हैं, M3 प्रो या M3 मैक्स, और अलग अलग बाद में आपको मेमोरी के और सारे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,49,900 रुपीज और अलग अलग वेरिएंट्स के अक्रॉस ये जो मेरे पास में फिलहाल मॉडल है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैकबुक एवर
इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहां पे हमारे पास में एप्पल की M3 मैक्स चिप है 16 कोर सीपीयू के साथ में, और साथ में है एक 40 कोर का जीपीयू, 16 कोर का न्यूरल इंजन भी है, साथ में इसमें है 128 GB की मेमोरी, 8 TB की स्टोरेज, और इसकी जो कंप्लीट प्राइस है वो है 7,19,900 रुपए, द मोस्ट पावरफुल मैकबुक इन द वर्ल्ड। यस, ये वाला है। एंड गाइस, स्पीकिंग ऑफ पावर, आई मीन ये जो नई एप्पल सिलिकन के साथ में एप्पल हैज कंप्लीटली चेंज द गेम अक्रॉस मल्टीपल जनरेशन में। देखा एप्पल की पहली जो M1 चिप थी क्रेजी पावरफुल, देन द M2, एंड नाउ विद द M3, और M3 के साथ में हमारे पास में जो नया वाला प्रो और मैक्स का करो कंप्लीट सेटअप आया है, आई मीन कुछ भी आप इसके साथ में करो, गेम्स खेलने हैं, आपको हार्डवेयर इनेबल्ड रे ट्रेसिंग मिलती है, यू गेट डायनेमिक कैशिंग, मेश शेडिंग, एवरीथिंग इज देयर। तो मतलब जो परफॉर्मेंस है ना गेमिंग, अगर आप करने वाले हो, अगर आप बहुत हाई एंड एडिटिंग करने वाले हो, आपको कुछ काम करना है 3D को लेके, यू नो यू वॉन्ट टू डू सम प्रोफेशनल वर्क, फोटोशॉप हो गया, लाइट रूम हो गया, ये सारी चीजें जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर दिस मशीन। और मजे की बात कि यहां पे बिकॉज हमारे पास में 100 वॉट आवर्स की बैटरी है, एंड एप्पल इज वेरी इंटेलिजेंट दैट वे, बिकॉज ये जो बैटरी कैपेसिटी गाइस, दिस इज द लिमिट, 100 वॉट आवर्स इज द लिमिट ऑफ वॉट यू कैन कैरी जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। तो मतलब इससे ज्यादा बैटरी एप्पल के लिए इसमें लगाना पॉसिबल ही नहीं था, अदरवाइज फिर आप इसको फ्लाइट में लेके जा ही नहीं पाते। तो एप्पल ने पूरी बैटरी जो कैपेसिटी इसको मिली है उसने यूटिलाइज किया है। और फिर यहाँ पे मजे की बात, बिकॉज द वे द चिप इज डिजाइंड, ये आपको काफी अच्छी पावर देती है ऑन द गो ऑन बैटरी। मतलब आपको यू नो वो प्लग इन करके या ऑन द गो कुछ डिफरेंस फील नहीं होने वाला है, आपको सेम पावर मिलती है अगर आप इसको ऑन बैटरी भी यूज करते हैं तो, एंड दैट टू फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अप टू 22 आवर्स का इसमें वीडियो प्लेबैक ले सकते हो, और भाई वीडियो देखने का इसमें जो मज़ा है ना बहुत अच्छा है। मैं पता नहीं क्यों, क्योंकि एप्पल मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब मैं अपना सारा कॉन्टेंट ना अपने लैपटॉप में कंज्यूम करता हूँ, मैंने पहले भी ये काफ़ी बड़ा बात बोली है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि मैं अपने बेड में लेटर लेटर मेरे को अपने लैपटॉप पे चाहिए, मेरे को पता है कि हाँ भाई इसके ऊपर स्क्रीन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर मेरे को मूवीज़ वगैरह देखने का पूरा मज़ा मिल रहा है, जो स्पीकर सिस्टम है बहुत तगड़ा है, इट्स अ 6 स्पीकर सिस्टम, जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है ना ऑल अराउंड। सी द ब्यूटी ऑफ एप्पल का मैक लाइनअप आई थिंक वो उसमें है कि आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैकबुक एयर M1 चिप वाला, उसके बाद में मैकबुक एयर M2 चिप, दो अलग अलग साइज में आते हैं 13 इंच एंड 15 इंच, और अगर हम प्रो की बात करते हैं तो 14 और 16 इंचेस के अंदर हमारे पास भी अलग अलग ऑप्शंस हैं अक्रॉस टीयर्स, M3, M3 Pro, M3 Max। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लैपटॉप किसके लिए है, ये लैपटॉप डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है, ये लैपटॉप एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको कैजुअल यूज करना है उसके लिए ये बिल्कुल नहीं बनाया है, दिस इज मेड फॉर द प्रोफेशनल्स। मतलब अगर आपका वर्क फ्लो ऐसा है कि आपको एक ऐसी पावरफुल मशीन चाहिए, और आपको पता है कि एप्पल सिलिकन के आने के बाद में कितना ज्यादा हमको एडवांटेज मिल गया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, यू नो वो काम जो आप आज से पहले लैपटॉप पे कर ही नहीं सकते थे आप वो अब इसमें कर सकते हो, तो आई थिंक फॉर प्रोफेशनल्स नाम ही है ना मैकबुक प्रो, दिस इज द मशीन, और यहां पे आपको सब कुछ जो है वो एक साथ एक स्पेस में मिल रहा है इन दिस पैकेज, और ये इनफैक्ट इतना ज्यादा ऐसा कॉम्पैक्ट फील होता है और काफी मजबूत भी फील होता है, और यहां पे जो लिखा है ना ये मैकबुक प्रो, मतलब इससे लगता है कि डेफिनेटली येस इट इज मेड फॉर द प्रोज। तो यहां पे आपको ये मशीन देती है एवरीथिंग इन वन प्लेस, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, वो तो फन के लिए करना है अगर, और कंट्रोलर अटैच करके मस्त आप इसमें गेम खेल सकते हो। बाकी चीजें जो है वो आपको पता है ये इस मॉडल के अंदर सेम है कंपेयर टू प्रीवियस 16 इंच वाले मॉडल्स। यस, अ न्यू चिप एंड अ कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस ऑफ पावर इस मशीन में। वैसे आप बताओ कि आपको क्या ये स्पेस ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, बिकॉज यार मैं तो फैन हो गया हूँ इसका, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा फ्लेवर लग रहा है ये, बिकॉज पहले जब एप्पल का आता था सिल्वर वाला मैकबुक, उसके बाद जब स्पेस ग्रे आया तो मुझे स्पेस ग्रे ज़्यादा पसंद आ रहा था, और अभी ये तो और डार्क हो गया है द न्यू स्पेस ब्लैक। आप क्या कहते हो इसके बारे में, ब्लिट डालो सारी मन की बात नीचे कॉमेंट करते हुए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।